सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल से बनी बर्फी, जिसे तिल का कलाकंद भी कह सकते हैं। ये बनाने में और खाने में इतनी डिलीशियस, इतनी अच्छी होती है कि आप इसे बार बार खाना और बनाना पसंद करेंगे। तो ये मैंने 150 ग्राम तिल लिए हैं, इसे मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ। इसे मैं कुछ हल्का सा भूनूंगी, मतलब हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, हम कुछ टाइम के लिए 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम रखेंगे। देखिए ये चटकने लगे हैं, मैं इसे 1 मिनट के लिए और भूनूंगी। हम इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल हमारे भून गए हैं, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तिल को हम कुछ टाइम के लिए ठंडा करेंगे। मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसे मैंने फैला दिया है और कुछ टाइम ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तिल हमारे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे एक ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं और इसे बारीक होने तक पीसेंगे। हम इसे बिल्कुल बारीक पीसेंगे, दरदरा नहीं। इसके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस लिया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने ये 100 ग्राम पनीर लिया है, इस पनीर को हम इस चने की सहायता से बारीक बारीक घिस लेंगे। इस तरह से मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक। ये देखिए हमने पूरा पनीर ग्रेट कर लिया है। हम कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे, ये मैंने 1 कप लिया है मिल्क पाउडर, अमूल का लिया है ये मैंने, अमूल ब्रांड का। इसी के साथ मैं डाल देती हूँ इसमें 1 कप ये दूध। आप सभी चीजें मेजरमेंट के हिसाब से लें। और इसी में मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा घी, ये मैं घी ले रही हूँ। और इस मिक्सर को हम बिल्कुल अच्छे से हिलाते हुए इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स, कोई भी गुठलियां ना रहे मिल्क पाउडर की। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। मैंने इस टेक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ये जो पनीर मैंने ग्रेट करके रखा था, ये पनीर हम डाल देंगे। साथ ही इसमें ये जो तिल का मैंने बारीक पाउडर बना के रखा था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। पूरी चीजों को हम एक साथ मिक्स कर लेते हैं। मिठाई बनाना बहुत ही आसान है और बिल्कुल कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम एक बार इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसे इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे। इसको तब तक चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। इसी तरह से हमें भूनना है इसको। ये अच्छे से भून गया है, ये देखिए इसने पैन से भी अपनी जगह छोड़ दी है। अब हम इसमें चीनी ली है मैंने 1/4 कप, ये पीसी हुई चीनी है, आप चाहे तो मोटी चीनी या फिर शक्कर भी ले सकते हैं। तो ये चीनी मैं इसमें डाल देती हूँ।
करीब मैंने 3 चम्मच के समथिंग इसमें ये चीनी ऐड की है। अब इसी तरह हम फिर से इसे लगातार चलाएंगे। चीनी डालने से ये मिठाई अपना पानी छोड़ देगी, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इसी तरह से हिलाते रहेंगे। मैंने चुटकी भर इलायची पाउडर लिया है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, इससे इसका जो टेस्ट है काफी अच्छा आएगा। इसे हम लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे। तो ये मैंने एक केक टिन लिया है, इसके अंदर थोड़ा घी लगा देती हूँ। इसके अंदर मैं अपने फिंगर्स के साथ इसे घी लगा रखी हूँ। चारों तरफ से हम घी से ग्रिश कर देंगे इसको। आप चाहे तो कोई भी बर्तन, कोई भी प्लेट ले सकते हैं, कोई भी थाली ले सकते हैं, उसमें इसी तरह से घी लगा के। और ये मैंने एक बटर पेपर लिया है, बटर पेपर को इसके अंदर लगा देती हूँ और इसको भी मैं अंदर से घी से ग्रिश कर देती हूँ। घी से हमने ग्रिश कर लिया है, अब हम इसे इस बर्तन में निकाल लेते हैं मिठाई को। इसे इसी तरह से फैला देंगे हम। चारों तरफ से हम इसको एक बार फैला देंगे। आप किसी भी बर्तन, किसी भी चम्मच या इस पे चूल्हा को के पीछे ये इस तरह से घी लगा के और आप इसको इस तरह से डीप करते हुए इसको बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल आसानी से इक्वल हो रहा है। आप इस मिठाई को फ्रिज में रखकर थोड़े टाइम के लिए 10-20 मिनट के लिए ठंडा कर सकते हैं, या फिर इसे रूम टेम्परेचर पे रख के भी ठंडा करके आप इसको काट के सर्व कर सकते हैं। मैं इसे फ्रिज में रखकर आपको काट के दिखाऊंगी। मिठाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट या थाली में निकाल लेते हैं। हम बर्तन को इस तरह से उल्टा रखते हैं, इसको इस तरह से ऐसे टिप करेंगे। मिठाई को हमने बर्तन से बाहर निकाल लिया है, अब हम ये जो बटर पेपर है इसको हटा देंगे इसके ऊपर से। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है हमारी। मिठाई को मैं आपको काट के दिखाती हूँ। इस तरह से मिठाई को काट के इसके पीसेस कर लेंगे। मैंने इसको राउंड शेप दी है, आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मिठाई मैंने काट ली है, मिठाई को मैं आपको डेकोरेट करके दिखाती हूँ। मैं इसको बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको पिस्ता वगैरह अपने हिसाब से किसी भी चीज से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिठाई हमारी डेकोरेट हो चुकी है, देखिए कितनी परफेक्ट, कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है ये। आप इसको घर पे कभी भी बना के खा सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। देखिए मैं इसे एक बार एक पीस आपको उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी लाजवाब, कितनी अच्छी मिठाई बनी है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसको। ये देखिए बिल्कुल मावे की तरह, इसका टेस्ट भी बिल्कुल मावे की तरह ही आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय दोस्तों।